दिसंबर 2020 से दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली था, लेकिन आपको बता दें अब दिल्ली को मिल गए हैं नए लोकायुक्त। कौन है दिल्ली के नए लोकायुक्त और हम ये क्यों कह रहे हैं कि अब केजरीवाल के विधायकों पर होगी कार्रवाई, बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली के नए लोकायुक्त कौन है। वो है झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हरीश चंद्र मिश्रा। तो हरीश चंद्र मिश्रा कौन है, क्या इतिहास है, वो भी आपको बता देते हैं। न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा का जन्म 27 मार्च 1959 को हुआ। उन्होंने पटना लॉ कॉलेज से 1984 में वकालत की पढ़ाई की। जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा झारखंड न्यायिक सेवा के पदाधिकारी रहे। वो इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के जज बने। 26 मार्च 2021 को झारखंड हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। वो चारा घोटाला मामलों की सुनवाई के लिए साल 2001 से 2002 तक अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त से विशेष न्यायाधीश सीबीआई रांची के रूप में भी तैनात रह चुके हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हरीश चंद्र मिश्रा दिल्ली के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने इसके बारे में आदेश जारी किया और फिर गजट नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें इस बारे में जानकारी मिली। अब आपको ये भी बता दें कि एक आरटीआई के जरिए ये पता चला था कि दिल्ली के जो विधायक हैं उनके खिलाफ कई मामले लंबित पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक आरटीआई में ये कहा गया है कि करीब 87 मामले दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं उनके खिलाफ अभी लंबित हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकायुक्त नहीं थे 2020 के बाद, यानी कि दिसंबर 2020 के बाद से दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली था और इस बीच में केजरीवाल सरकार के कई विधायकों पर मामले जो हैं वो लंबित थे। लेकिन अब क्योंकि नए लोकायुक्त सामने आए हैं जो हरीश चंद्र मिश्रा रिटायर्ड जज हैं झारखंड हाईकोर्ट के, वो अब दिल्ली के नए लोकायुक्त होंगे और वो अब इन मामलों का संज्ञान लेंगे और इन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि दिल्ली में अब तक कौन कौन लोकायुक्त रहे हैं, क्या है दिल्ली में लोकायुक्त का इतिहास। तो दिल्ली के पहले लोकायुक्त के बारे में आपको बता देते हैं। तो पहले लोकायुक्त बने थे न्यायमूर्ति आर एन अग्रवाल। इसके बाद दूसरे लोकायुक्त बने न्यायमूर्ति मोहम्मद शमी। फिर तीसरे लोकायुक्त बने न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन, जबकि चौथी लोकायुक्त बनी न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल। और इसके बाद पांचवें लोकायुक्त बने हैं रिटायर्ड जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा। तो दिल्ली लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1995 में 22 सितंबर 1997 को लागू हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक कुल 5 लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है। तो ये लोकायुक्त का काम क्या है, क्या इनका दायरा है, ये भी आप जान लीजिए। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य में लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग पर जाँच के लिए की जाती है। इनकी जाँच के दायरे में राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी समेत कई संस्थाएं होती हैं। तो एक लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली को मिल गए हैं नए लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा के रूप में। और साथ ही पिछले काफी वक्त से जो विपक्षी दल हैं वो लगातार केजरीवाल सरकार पर आक्रामक थे और यही सवाल उठ रहा था कि आखिर दिल्ली में नए लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जिस तरह से नए लोकायुक्त की नियुक्ति का ऐलान हुआ है उसके बाद अब जो विपक्षी दल हैं उनकी नजर इस पर होगी कि किस तरह से जो कई मामले लंबित पड़े हैं दिल्ली सरकार के, जो कई विधायकों के ऊपर, उन पर कब कार्रवाई होती है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।